फिर और तेज चलाएंगे यार, छोड़ दे। नहीं नहीं, रेस थोड़ी हो रही है, अब हो जाएगा। क्योंकि मेरा टैपेट आवाज कर रहा है, देवे को वोटिंग मार रहे हैं। It's quite possible he'll say exactly that. मेरे टैपेट लूज हो गए और ये तेज भगा रहे हैं। उनकी साइड से निकलता हूँ, जरूर करता हुआ इसका गार्ड। उनकी साइड से साइड से निकला हूँ, जरूर करता हूँ। गालियां दे रहे होंगे अपने टैपेट को 100%। राइट जाना होगा, रोड तो वही है। बताओ यार, ब्रेकिंग मोमेंटम। आजा आजा आजा, कोई है भाई? मैं तो आगे हो गया, देर से लगा। कौन सा आगे? आजा आजा, बता के निकलना। हाँ हाँ, आ जा आ जा। गाड़ी आ रही है आराम जाते दो चुतिया है क्या? कह रहा आ जा आ जा। एक स्कूटी दो गाड़ी आ रही, कह रहे आ जा आ जा। पागल है। मैं भूल गया था कि आप कितना है। मैं बोलना चाहता था मैं उठ के निकल गया। कौन से वीडियो में? हाँ, इसी रोड पे जब मैं चलाई थी। हाँ, चलो उनको पता होगा सीधा। हाँ पता, सब उन्हें देख रहे हैं, पीछे से लग रहे हैं। तो हमने थोड़ी ज्यादा सुपर वीडियो कर दी। तो नेट जियो वाइल्ड टाटा पंच कुछ भी किसी चीज पे भी कुछ भी लगा दो। युद्धवीर इज ऑन माय आर्स। टाइगर टाइगर महादेव टाइगर। मंदिर आ गया भाई राइट में, श्री प्रकाश शेखर महादेव मंदिर। यहीं से महादेव टाइगर यहीं से आई थी भाई। हॉर्न दे रहा है, हॉर्न बड़ा सा इतना क्रेटा टाइप का हॉर्न की आवाज आ रही थी। अच्छा, एक बार क्रेटा थी ना, है अभी भी? हाँ है ना। अच्छी गाड़ी है, बहुत अच्छी गाड़ी है। गाड़ी तो अच्छी है, पर चलाने वाले मेरे को बड़े वो लगते हैं। अब यार चलाने वाले का क्या कर सकते हैं, जी से हॉर्न देते रहते हैं, एक डिपर का मिल गया मारते रहते हैं सबसे। अच्छा भाई, मतलब मैंने वो वीडियो देखी थी, क्रेटा खाली हाईवे में ही डिपर मार के देखी तूने? पता नहीं, मैंने कहीं तो देखा है, इसकी बहुत बेइज्जती होती क्रेटा की। हां, ये पायलट उड़ रहा है एकदम से, पीछे से क्रेटा वो मार रही है आसमान में भी डिपर। हां यार, ये वाला मैंने देखा कि इस क्रेटा ड्राइवर वाज अ पायलट, प्लेन नीचे लैंड कर रहा है डिपर मार रहा है। अब ज्यादा गलत तो नहीं चला रहे मुझे ऐसा लग रहा है, पर इतना भी कुछ कर नहीं रहे यार। कुछ नहीं कर रहे, तो कट कर रहे हल्का सा। ये देखो बीच में आया है भाई सुपर स्प्लेंडर, कह रहा है तुम्हारी ऐसी की तैसी सालों। ऐसा है क्या? हाँ, बीच में आया है। आजा तू, आजा जबूरे। एक SUV आ रही है, उसके बाद क्लियर है। बुढ़ पे हूँ मैं। प्रॉब्लम पता है क्या है यहाँ पे ना, हम ऐसे चला रहे हैं थोड़ा नॉर्मली चलाते हैं, क्योंकि ना कोई भी कभी भी रॉन्ग साइड आ जाएगा, मतलब हाँ। वो जैसा आता ना पहाड़ों वाले वीडियो में बाइक ठोक दी कहीं भी कोई खींच के तो हम चला भी नहीं रहे यार, प्यार से ही चला रहे हैं। हाँ, भाई फिर आया स्प्लेंडर।
कह रहा बदला लेके रहूंगा, फिर मेरे बीच में घुस गया भाई। ये पागल हो गया भाई, पागल हो गया ये बंदा। मैं जाने दूं क्या? नहीं नहीं, ये बीच में बहुत अजीब सा पागल, इसको जोश चढ़ गया कि मैं करके दिखाऊंगा। अच्छा बॉब द बिल्डर है। ट्रैफिक कितना है यार, है कोई नहीं है, कोई नहीं है, निकाल। मिस्टर इंटरनेशनल स्कूल, अच्छा एमआर इंटरनेशनल। आजा भाई, खाली हो गई। ये कैसे चला रहा है यार? मैं वालन को पकड़ नहीं पा रहा हूँ। मारो मुझे, मारो। बेस तो बजाज। Surprisingly, Yudhvir is on my bum. अरे he's a very good rider. हाँ, वो छोड़ेंगे नहीं। रिकॉर्ड तो हो ही रहा है। सही है। अड़ जाओ ए। आजा आजा, अब गाड़ी आ रही है स्विफ्ट, वो पंच। ये वही वाली पंच है? नहीं दूसरी पंच है, दूसरी यार। तो क्रेट, अच्छा तो क्रेट है। ध्यान से, हाँ नहीं देख के चला रहा हूँ। फीलिंग्स क्या पे? देखा नहीं भाई, रोड पे ही नजर है। लाल मरुति वाला लाल। I'm not going to come now. I don't feel like. Okay. Why can't I see you? Because I'm right behind you. स्कूटर आ रहा है क्या? ये स्कूटर पल्सर है बजाज की, वो गंदी सी कोई बाइक है। खबरदार तूने बजाज को कुछ कहा तो रॉयल एनफील्ड वाले भाई युद्धवीर आए बीच में। ये उल्टी कर रहा था मारने का। ओ भाई, कभी ऐसा हुआ है तू टर्न ले रहा और साइड पे उल्टी कर दी? हां देख लिया। नहीं भाई मेरे ऊपर तो नहीं हुई किसी गाड़ी, किसी ने आज तक। मसूरी रह गया 15 लोग रोड पे खड़े हैं, हद हो गई भाई। अरे यार तो मेरे कलर की सुजू है। ठीक है चेक पोस्ट से क्या कुछ करते हैं क्या? हुर 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 हुर। अरे यार रोंग तो रॉन्ग साइड से जा रहे हैं। वो आ जाए यहाँ से, कोई नहीं बन गया रास्ता, आ जा। हुर, हुर, हुर। मेरे बार बस्तर की कसम, दूर हो जा। आजा मैं निकल गया। आ गया? हाँ। ठीक है आजा। युद्वीर? पीछे है। सही है।
मैंगो शेक पी के नींद भी नहीं आई। मैंगो शेक पी के एड्रेनलिन लेवल 2x हो चुका है। हाँ भाई अच्छी चला रहे हो हम तो। अब हमें ये पता लग गया ना सिर्फ 50 मिनट रह गए थे। That break was at the right time. आजा आजा आजा। Last 50 minutes. आजा। अब आ रही है गाड़ी आगे से। हाँ। Oh fuck you. ये तो तू KK Menon बन गया भाई। वो वाले शाहिद कपूर वाली सीरीज का। क्या हुआ? तूने वो सीरीज नहीं देखी उसकी जिसमें वो जाली नोट छापता है? अच्छा फर्जी फर्जी। हाँ। बोलता है वो KK Menon ओ फकिंग। ओ फकिंग। फकिंग यार फकिंग। ओए होए ये क्या चला रहा है भाई? ये नई वाली फैट बॉय है। फैट बॉब है ये। मुझे रेक्टेंगल लाइट वाली। नहीं आ जा रख ली। बैक लाइन आ रही है दूर से आ जा। जितना मजा हमें चढ़ाने में आ रहा है मजा उतना उतारने में नहीं आता भाई। इसमें आ जाएगा छोटी बाइक पे आ जाएगा आ, नहीं आएगा। बड़ी भागती है छोटी वाली तेरी तो परफेक्ट ब्रेकिंग लगेगी सेकंड गियर में इंजन ब्रेकिंग। लवले ये कोई व्यू पॉइंट लगता है। हाँ ये सारे बकवास है। टू पॉइंट्स भी अभी शाम को मजा आएगा देखने में। जहाँ होटल है ना वहाँ से एकदम परफेक्ट सनसेट दिखता है मजेदार। अच्छा नाइस। ये भी रह गए पीछे देखने हैं। मेरे पीछे हैं बिल्कुल एग्जैक्ट। अच्छा वो एफर्टलेस चलाते हैं एकदम। इनका बहुत ज्यादा स्मूथ है मैंने देखा है ना। मतलब हम लोग फिर भी थोड़ा सा करना पड़ता है कि चला रहे हैं ऐसे चलानी है उनकी नेचुरल नहीं चलती है भाई। ठीक है मेरे को नहीं करना भाई। वो चौकी साइज है ना। चौकी होता है वो इतना ही तो होता है 5-5, 5-6, 5-4। वो भाई इसका हेलमेट देखियो वो बॉय बॉय हेलमेट। ओ यार खरी छपरी। इसमें गर्मी नहीं लगती होगी? पता नहीं यार क्या कर रहा है यार बंदा। मंकी कैप है वहन चोदे। ना ना बोला मोए मोए है। आप आ जाओ। क्लियर है क्लियर है क्लियर है ना। हाँ हाँ अब मैं एक स्कूटर के पास आया हूँ आ जाओ। ओए होए भाई काफी चढ़ गए हम। कोई आराम से। हाँ हाँ मैं वाइट लाइन के उधर चला जाता हूँ हमेशा टर्न से पहले। पर सामने का भरोसा नहीं ना कोई बंदा पहले से उधर से आ रहा है वाइट लाइन की इधर। हाँ ये फकअप है इधर। अब ये जगह दिख रही है यार ये गलत बात है। क्या तू ओवरटेक कर रहा है? मेरे को जगह राइट में दिखी थी ना इसलिए मैं निकाल रहा था। ये लेफ्ट में फंसा हुआ था। मैं निकाल दी राइट में डाल दी मैंने। हट जा बहन दो भाइयों। ये क्या था? मैं भूल गया था कि पैर आगे ले जाना था। मैं वो मोटर जीपी की तरह टैकल करने की सोच रहा था। तेरा पैर टकराया ना ये आवाज। बस 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 बहुत जल्दी बताया तूने। मेरे को जैसी दिखे मैंने बताया। तेरी तो पीछे वाला टायर भी वो हुआ था थोड़ा सा। आप इतनी भगा क्यों रहे हो? पर आपने एकदम से जो ऐसे ओवरटेक किया ना उससे हमारी ईगो को थोड़ा सा हर्ट हो जाता है। बट मजा आया ना लास्ट में चलाने। यार बाइक तो लीन भी नहीं हुई। बट क्या चल रही है यहाँ पे? ऐसे से बाइक को यूं डिप करने में कितना मजा आ रहा था। आई एम श्योर आपको टैपेट नॉइज का काफी अच्छा फीलिंग आ रही होगी। ठीक हो गई अच्छा टाइट कर दिए। क्यों स्टार्ट कर रहे हो? अच्छा सुनाने के लिए चलो आ गए। वी हैव रीच्ड। भैया हमें भी दिखाओ ना एग्जॉस्ट। हमें भी एग्जॉस्ट दिखाओ। So, 6 बजे निकल के पहुंचे हैं 2:15। ओ मेरी दिलरुबा तू दिल के करीब है। आपको पता है ना आपने गलत टाइमिंग पे गाना गाया। मैं तभी थोड़ा सा
सामने से कोई जा रहा है और अब मेरी दिल रुबा। अरे वो मतलब मैं तो यार करण के साथ गाया करता था, उसे नहलाते टाइम यार। अच्छा अच्छा ओके। हम दो चीप गाने गाते थे, एक ये वाला ऐ मेरी दिल रुबा और दूसरा समंदर में नहाकर अरबी नमकीन हो गई। चलो यार। ओ वाओ, लुक एट दिस अमेजिंग स्टेयरवे। एंड इसके अंदर जाते ही इतना बड़ा मैदान आएगा ना, तो मजा आ जाएगा। अरे वहां पे बॉनफायर करते हैं लोग रात को, पर अभी इतनी सर्दी नहीं है ना। आ गए भाई, इतना बड़ा मैदान कहीं नहीं मिलेगा यार। हाँ यहाँ तो नहीं मिल सकता। हाँ और उधर उस साइड से ना बढ़िया सनसेट दिखता है शाम को, मजा आ जाता। अंग्रेजों के जमाने के जेलर। एग्जैक्टली, ये जरूर कोई ब्रिटिश गवर्नमेंट बिल्डिंग नहीं है। प्रणव जी कहाँ हैं? अंदर ही होंगे सर। हवा कितनी सही लग रही है यार। लुक एट द स्टेयरकेस। हाँ भूख तो लगी नहीं हम लोगों की, लगी है? पागल है क्या तू? लंच नहीं किया, ब्रेकफास्ट भी नहीं किया? अभी तो मैंगो शेक पड़ा है यार। मैंगो शेक से क्या कोई डंबल साइज मैंगो शेक? वो डाइनिंग टेबल वहां लगा है, रिप्लेस वो वाले पे। सॉलिड्स। A few moments later. Basically now the plan is that we are going towards Landor. वहाँ पे कैफे वैफे जाएंगे, थोड़ा चिल आउट करेंगे, सनसेट देखते हैं, एंड मे बी विल सिट एट वन ऑफ द कैफेज एंड हैव सम चिट चैट। लेट्स गेट ऑन द बाइक्स। लैंडोर जाने के लिए देर इज़ अ क्लाइंब ऑफ अबाउट 2-3 kilometers, सो हेंस वी आर टेकिंग आर बाइक्स देयर बिकॉज गोइंग अप 2-3 kilometers राइट नाउ इट्स गोना बी टफ। दिस इज द हिमालयन कैसल इन मसूरी नियर द घंटाघर। अमेजिंग व्यू फ्रॉम हेयर। That is the view of the valley, as you can see, yeah, complete view of the valley, and that is where the sun sets. तूने ताला मार दिया रूम को? इनका रूम का साइज बहुत ही बड़ा है, अपने रूम से अच्छा इनका रूम दिखा रहे थे ब्लॉगर स्टाइल। तो हमने करना क्या है? मैं ब्लॉगर स्टाइल रूम दिखाना था ना मुझे। This is super deluxe. Super deluxe. Yes. यार ये ऊपर वाले में भी इतनी बड़ी जगह नहीं है जितनी बड़ी ये जगह है ना, मैं ऊपर रहता था हमेशा। अच्छा इनके में भी ये रखा हुआ है बट पार्टीशन नहीं है। महाविलास ऑफ मसूरी। रेडी हो गए? ये जैकेट है आपकी? ओ माय गॉड, पजामा खोल दिया है। कौन सी? अच्छा बीटवीन की है ये आपकी? अच्छा पैराशूट है मतलब, जैकेट नहीं है। बट बहुत ही बढ़िया और ह्यूज रूम्स हैं। ऑल ऑफ अस रेडी टू गो टू लैंड और लैंड और। क्या फिट करने की कोशिश कर रहा है आप तू? कलेंजी। अब ये किसका है? विश्वासिस। विश्वासिस पता है हमने पेट्रोल पंप पे खड़े होके कम से कम 25 मिनट तेरा वेट किया सुबह, तू लास्ट आया था। क्यों? सुन भाई सुनो, ग्लो टाइप था 645, मैं आया था 643 पे, तो दादा अपना मुंह बंद रखो। गाइस ग्लोव्स पहनने? ग्लोव्स मैंने ले लिए। ग्लोव्स तो पहनने पड़ेंगे। ग्लोव्स ले लो, ग्लोव्स रात में बाइक में रख देना। आपका वो जो डब्बा अटैची में सारा सामान लेके चलेंगे। क्या लग रहा है ऐसे तीन राइडर्स जा रहे हैं जैसे पता नहीं कौन सी किले फतेह करने जा रहे हैं। जा रहे हैं मुश्किल से 3 किलोमीटर बाइक चलाने, बट क्या शॉट आ रहा है यार सुनहरी धूप में। तीन राइडर्स जाते हुए ये फोटो शूट। अभिनव को देखो और चौड़ा हो गया, जैसे ही बोला शूट चला रहे तो शोल्डर्स और ऊंचे, बल्क फेज ऑन। भाई मैं इंश्योर करता हूँ कि यू आर नेवर शॉर्ट ऑन कैलोरीज। यार इतना कम क्यों कमाते हैं कि मतलब हम क्या भूखे प्यासे मरे? यार ये करना था तो फिर तो सबसे निम्बल तो यार अभिनव और युद्धवीर के पास बाइक है, इनको क्या करना है। वैसे भी अभिनव ने इसमें पता नहीं कितने तराजू अमेजोन के कर करके, कितने किलो हल्की है ये भाई अभी इस समय इन इट्स करंट स्टेट ऑफ ट्यून? मे बी अराउंड 8 or 9 kgs। ये 2 kilo वेट कम कर लेता है बट मैंगो शेक और ओरियो शेक पी पी के 4 kilo अपना बढ़ा लेता है। ये ताले का पर्पस ये है कि गाड़ी रोकने के लिए है, मेरे को लगता है गाड़ी ना कोई घुसा है ताकि चेन ना चोरी हो जाए। अभी देखिए ये बाइक क्या खड़ी है। अच्छा निकालनी है तो आप ये ऐसे उठाएंगे। अच्छा और बाइक निकाल लेंगे। लॉक है तो फिर अच्छा ये गाड़ी निकल जाएगी इसको ऊपर करके नीचे से। हाँ तो गाड़ी भी पार्क हो जाएगी तो फिर जगह रिजर्व करने के लिए भी नहीं हुआ। अटैची में क्या है आपकी? अटैची में बहुत कुछ है,
वाटरमेलन, ओ भाई ये तो भाई फुल्ली लोडेड है यार, लाइनर है, बैग का कवर है, लगेज स्ट्रैप्स हैं, ये लद्दाख निकले हैं, लद्दाख ट्रिप पे आए हैं, किसी भी चीज की जरूरत पड़ सकती है। 24 घंटे की राइड है ये, ध्यान रखो 24 घंटे की राइड है, अ फुल 24 आवर्स मैराथन। कल का जो वेदर फोरकास्ट, ये वाटरप्रूफ नहीं है पैराशूट? पैराशूट वाटरप्रूफ होती है, जब कोई कूदता है ऊपर तूने अपनी हेलमेट साफ कर ली क्या? नहीं। चमक कैसे रही है वापस? कम वाइट। कम वाइट तेरा है, तेरा पर्ल वाइट है। भाई मेरी बाइक में सिर्फ 160 किलोमीटर की रेंज बची है। जब मैंने कहा था आफ्टर 275 किलोमीटर। यार योर बाइक्स आर कम्यूटर बाइक्स, दे आर मेंट टू बी सेकेंडरी फ्लीट फॉर Zomato एंड Swiggy। हां सही बात है। यार एक मिनट बाइक पीछे कर लूं, हाथी अपने को। यार इतनी बड़ी बाइक चलाते क्यों जो चलती नहीं है तुमसे? हाँ यार सीरियसली। चलो गाइस लेट्स गो, इट्स टाइम टू फिंगर द फर्स्ट द फ्रंट ब्रेक। यहाँ पे ब्रेक क्यों बांधने की जरूरत है? बस गियर में भाग रही है ना यार हमारी बाइक की, ट्रिपल स्प्लेंडर। मेरी तो 17 पे उतर रही है अपने आप, 16-17। मेरी ब्रेक लगाने के बाद 17 पे थी। अबे घंटा घर दिख रहा है? कहाँ है ये? ऊपर दिख नहीं रहा क्या तेरे को? हाँ दिख गया, दिख गया। आई वाज एक्सपेक्टेड इट टू बी बिगर। घंटा तो मैं घंटा नहीं। स्कूटी का कलर देख यार कितना प्यारा, इसी कलर की बोनेवेल आती है। हाँ 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 है ना। तू ये ले ले होंडा CB350। यार वो बात नहीं है इसमें, वो इससे बेटर मैं क्लासिक 350 ना ले लूं, थोड़ी सी और बढ़िया लगती है मुझे तो। एक स्टैंडर्ड 350 मिल जाए या स्टैंडर्ड 500 मिल जाए पुरानी वाली, मजा आ जाएगा। स्टैंडर्ड बेस्ट है, इलेक्ट्रा मुझे फुदू लगती है। हाँ उसका पतला वाला टायर पीछे वाला बड़ा मस्त लगता है स्टैंडर्ड का। देयर इज अ शार्प क्लाइंब दैट इज कमिंग अप, स्टीप क्लाइंब। अच्छा ऑन अ शार्प टर्न। सुपर मीटियोर तो रह गई, वो हट जाओ यार। Shining disco mode. Oh, bhai saab, Fortuner bhi chal rahi hai. But Isuzu will be more difficult to drive than the Fortuner here, na? Isuzu lambi hai. Lambi hai. Is mode pe aake phans jati sari gaadiyan. Ye dekho kya kaam? Silai machine wale bhaiya dekho. Kya kar rahe hai? Badhiya. Kisi choti si jagah mein inhone apni wo banayi hui hai setup. Ye bazaaron mein bike chalane ka kuch alag maza nahi aa raha? Haan yaar. ऐसे राजस्थान जाओ ना तो वहाँ भी बाजारों बाजारों में घुसने का मजा आता है सर्दी के टाइम पे। चलेंगे भाई। हाँ ये एक स्टीप विद अ कर्व क्लाइंबिंग इन सेकंड। ओ फक नाइस, हट जा। अरे और सामने से गाड़ी आ गई फॉर्च्यूनर की, फक हो गया था। लोल जगह रह के खड़े हो ना। हाँ हेलो, नमस्कार। नहीं मैं बिजी हूँ भाई। अब निकलेगी? निकल जा। चलो निकालो 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 निकालो, आ जाओ आ जाओ, लेफ्ट ले लेना ऊपर। व्हाट अ ब्यूटीफुल, गो 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 गो। यार क्या मस्त लग रहा है यहाँ पे सनसेट का टाइम। लेफ्ट लेना लेफ्ट। आ रहा है? ओ भाई यहाँ पे ना थोड़ा सा लाइफ में एक्सपीरियंस भी होना चाहिए बाइक चलाने का, नए बंदे की तो फट जाएगी। यार ये मेरे को घुसा के मारेगा। नहीं नहीं तो निकल जाएगा। इसको बंद करो बंद करो। हाँ अब निकल। हाँ चल निकल गया। पार्क बस्टर ने ठोक दिया ना, उसका बाहर आ जाएगा वो मिरर। छाव में तो यार कितना कूल हो रहा है। तू बंदा बिठा के बाइक चला लेगा आराम से? नहीं नहीं तभी मैंने मना करा था। बहुत मुश्किल हो जाता है, अजीब सा लगता है, आदत नहीं। एक तो पहले वही बिठा के चलाने की चीज़ को यहाँ पे फ्रंट बहुत लाइट हो जाता है। यार ये तो ऊपर देख कितना बढ़िया बना हुआ है मॉल। अब जा कर रहे हो?
हम लंडोर कैफे। अच्छा वो चार लाल टिप्पा चार दुकान का है, अभी आएगा रास्ते में। एक भी अच्छी लड़की नहीं दिख रही जसवीत। तेरी वाली नहीं मिल रही यहाँ पे फिरंगिया? हाँ ऋषिकेश जाना चाहिए तेरे को, वहाँ पे देखो मिलती जाती लगातार। ये क्या आगे जाने के लिए पर्ची है? पार्किंग करनी नहीं हमने, बेकरी के लिए। बेकरी भी नहीं जाना हमने तो, बेकरी जाना ही नहीं हमने ना। हम तो ऐसे वॉक बस बाइक चलाने गए हैं, आ रहे हैं। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जबरदस्ती को काट रहा है जो पर्ची है, थोड़ा फालतू भी खड़े हो गए। अच्छा देवदर वाला कहाँ पड़ता है? देवदर कैफे, देवदर वाला वो तो जाती है देवदर कैफे तक बाइक। देखो आपका वाला, देखो आपका वाला फटा नहीं है, मेरा वाला सेम हेलमेट देखो चिथड़े सा हो गया बीच में से। ये देखो ना ये एज, ये वाला है पर्टिकुलरली एज, ये यस फिर से वही लूल टाइप हो गया ना। तो इसमें क्या करना है इसको, इसका क्या होगा? ये जब साफ करेगा ना तो टाइट हो जाएगा। तो स्नीकर क्लीनर प्लस और कुछ? बस कुछ नहीं, बस स्नीकर क्लीनर से करके और डिटेलिंग क्लॉथ से इसको साफ कर लेंगे। ये आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हो अली? नहीं ये सिर्फ मेरी है। कंपेयर योर सेना विद कार्डो। हां लुक एट हाउ स्लीक दी ब्लडी थिंग्स एंड लुक एट दिस। ये 50S है ना, मोटा वाला मोटा है ना थोड़ा, ये 50S मॉडल। मेरे को लगता है पैसे जस्टिफाई करने के लिए ये थोड़ा सा ऐसा हो गया। बोल्ड है ये, कितने का आए थे? 25 का। लास्ट टाइम मैं हिमालयन पे आया था ना जब, तो मैं अंदर तक बाइक लेके गया था यहाँ से। लास्ट टाइम मैं कब आया था? नवंबर में जब मिली थी, दिसंबर में। तो यहाँ से ऐसे पीक्स दिख रही थी पूरी स्नो कवर्ड कैफ में। इधर आ, इधर इधर पीछे वाले एरिया मस्त है इसका। देवधार वुड्स कैफे यार, लो लाइट क्वालिटी ठीक आ रही ना दे? बहुत अच्छी यार, 1 इंच सेंसर के हिसाब से दिखाओ दिखाओ मिट्टी देखो, लो लाइट क्वालिटी वेरी नाइस अमेजिंग स्टेबलाइज साथ में। ये तो इसका स्टेबलाइजर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा स्टेबलाइजर है, मतलब मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन अमेजिंग है इसकी। डिजिटल जितनी मर्जी ट्राई करो, मैकेनिकल ओवर डिजिटल एनी डे यार। आई रिस्पेक्ट द डस्टर क्वाइट अ लॉट। डस्टर की जो राइड और हैंडलिंग का जो बैलेंस था, I still feel it is superior to anything that is even available today in the compact SUV space. Yes, sir. Yeah. When we launched the new vehicles, huh. That I'm sure would be a strength again. देखते हैं, but you know the paradigm has shifted now. अब हर किसी को चाहिए मेरी गाड़ी में ये feature, वो feature. Lots and lots of LL. So we are giving. L. So no, no LL. If lots and lots of LL. If you look at our new cars, एक ठीक साइज की 4x4 गाड़ी अभी under 20 lakhs तो नहीं है कोई भी, normal 5 doors वाली। The only 4x4 available is a Scorpio. 4x4, 4x4, 4x4. It's only Scorpio. Scorpio. कोई है ही नहीं और Scorpio हाँ। बाकी all wheel carrier में नहीं आता। Those are all जो आते भी हैं वो AWDs हैं। AWD की तो अपने limitations और challenges हैं ना। There is no transfer case, there is no low ratio. सब electric electronic. हाँ exactly. मैंने सही ले ली Isuzu यार, 17 lakh on road. मैंने भी सही ले ली Hilux. तेरे तो 32 की है। जिसमें मैंने आज तक कभी वो लगाया ही नहीं 4x4. 17 lakh on road. मैंने 17 lakh on road खरीदी थी। ये बकवास कर रहा है। 2018 में ली थी अगस्त में। चीटिंग कर रहा है मेरे साथ। बहुत लोगों ने ली थी तब। So, भाई उसके बाद नेक्स्ट मॉडल आया 1.9 लीटर वाला। Correct. जो ऑटोमेटिक व्हिच मेक्स मोर पावर, इट्स अ टर्बो, इट्स 160 BHP मॉडल। मेरी है 135 BHP। सो द वन व्हिच यू ड्राइव व्हिच इज ओके यार, मतलब मेरे को कोई इशू नहीं लगता। बट द वन व्हिच यू ड्राइव मोस्ट ऑफ द पीपल हैव मैप्ड इट। हाँ मेरी में उसमें वो पीट्स रीमैप और ये सब मैप ऊप चल रहे हैं। I had an Innova which I had for 10 years and we drove it some 3 lakh kilometers. जब मैंने पहली बार Isuzu चलाई ना, मेरे को ऐसा लगा मैं अपनी Innova ही चला रहा हूँ पावर और के हिसाब से। बिल्कुल फ्लैट है ना वो। हाँ वो फ्लैट है एकदम। हाँ मतलब मेरे को लाइक आई डिड नॉट आई वाज ड्राइविंग इट बैक फ्रॉम द BIC फ्लैट लगी, मतलब मजा नहीं आया, मतलब मेरे को इनोवा जैसी लगी यार। तूने वही वाली चलाई 135 BHP वाली? हाँ वो अमित सिमोर की। अच्छा अच्छा तो मैं just didn't feel special यार। पर हमें मनांग करना है यार। यार मेरे को करना है मनांग। ये नेपाल हुआ है, नेपाल
ये नेपाल आ गया, सूखा सूखा नेपाल वाला करकर आ गए भाई। अब मेरे को करना है फुल स्लश में बना लोअर समथिंग, और वो लोअर मुस्तांग तो मनांग क्या है? मैं मनांग एक नया आइटम है जहाँ पे गंदा वाला ऑफ रोड और गंदा वाला कीचड़ होता है। ये पैसे लगते हैं उसके? नहीं उसके पैसे भी नहीं लगते, फ्री है वो, फ्री। नहीं देखो ये नेपाल है, क्योंकि मुस्तांग में तो जो मुस्तांडे जाते हैं उन्हें पैसे देने पड़ते हैं ना। अरे सुनो ना, अपर वाले में ये लोअर कर कर आया, ये बताएगा। सी थिंक ऑफ इट लाइक द मैप ऑफ इंडिया but it is facing you, you are looking at the map of India. ये फिर चालू हो गया। सुनो ना, सुनो सुनो, मैं समझाता हूँ, मैं समझाता हूँ यार। When you are looking at a map, I am also looking at a map. So say that on the map. Don't say कि look at the map, it is facing you. What does this mean? No, so let's say think of it like this. You are looking at the map of India. ऊपर नेपाल ऐसे चलता है? चलता है मतलब? नेपाल है ना ऊपर? हाँ है ना। ठीक है? ऊपर right side में ऊपर। हाँ exactly. अब उसमें ना एक जगह आती है, पोखरा। पोखरा से दो रास्ते बनते हैं। इमेजिन ये घड़ी है और पोखरा सिक्स है। नहीं नहीं, इसका लॉजिक है, मैं समझाता हूँ। ये घड़ी है, पोखरा इज एट सिक्स। आपको अगर लोअर मुस्तांग करना है, विच इज द वेयर आई वेंट, लोअर एंड अपर मुस्तांग, यू विल गो हियर उल्टा 5 4 3 2 आप यहाँ तक जाओगे। यू मूविंग टू 7 8 9 लाइक दिस, यू गेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, राइट? नाउ मनांग इज हियर एट 10। तो लोग सोचते हैं हम ऊपर से मनांग चले जाएंगे, बट ऊपर से रास्ता है ही नहीं, वो सिर्फ ट्रेकिंग रूट है। सो यू हैव टू कम बैक ऑल द वे टू पोखरा एंड देन गो फ्रॉम दिस साइड। सो यू कैन आइदर डू, you can do both, you can do or both, you can if you do have a week you can do both. Achha, by coming back, by coming back, but you will have to come back to Pokhara and then go the other side and come back. So but it's not connected, Mada, basically it is not, it is connected only via a trekking route. Okay, on the top usme bhi do din lagte hain aur wo hamare bas ki nahi hai. Manang is, the terrain is very especially in monsoon, it's rocky yet it has slush. So, मॉनसून में तो अपने किसी भी पहाड़ में चले जाओ वहां ना, ना वो द चैलेंज हियर इज, इंडिया में अगर आप कहीं फंस गए, सरकार एक दो दिन के अंदर रोड क्लियर कर देगी, आप निकल जाओगे। मनांग में अगर आप कहीं फंस गए ऐसी जगह पे जाना है जहां कोई निकाल ही ना पाया, वो गाड़ी वहीं फंसी रह गई फिर समझ लो 2-3 महीना जब रोड क्लियर होगी। मैं बताऊं क्या है वहां पे, व्हाट एवर यू कम जा रहे हैं वहां जाके फंसा के मेरा मां की कहानियां सुनाएंगे तो वर्थ होगा। एक्चुअली मतलब पॉइंट ये है भाई, मनांग का यही सिस्टम है। मनांग में फंसने के चांसेस बहुत होते हैं, मनांग में बहुत सारे वाटरफॉल्स होते हैं, मनांग में जो क्रॉसिंग है उन वाटर के ऊपर से देयर आर वुडन ब्रिजेस, इट इज वेरी ऑन ए सीरियस नोट। मैंने किसी का वीडियो भी रिसेंटली देखा था, अरे ड्रीम चेजर का वीडियो देखो ना, अंकित लांबा का यार, उसका भी देखा है। अंकित लांबा तो हमारा दोस्त है, उसके तो उसने मुझे बताया था मनांग के बारे में। तो अभी जिसका मैंने वीडियो देखा था, तो मनांग का मतलब मेरे को ये लगा कि देखो अपर मुस्तांग तो सब लोग जाएंगे नहीं, क्योंकि 50,000 का तो वहाँ परमिट है। लोअर मुस्तांग कर लेते हैं लोग, मुस्तांग बोलते हैं जो भी, जहाँ पे तेरा मुस्तांग मुक्तिनाथ टेम्पल वही है ना, लोअर मुस्तांग। तो जो नेक्स्ट बेस्ट जगह है ना उसके बाद जो एडवेंचर वाइज, वो मनांग है। उसकी सीनरीज वगैरह बहुत अमेजिंग लगी थी, मैंने देखी थी अभी किसी के वीडियो में। एंड ऑफ रोड भी ना वो गंदे रट वाले सेक्शन थे, नॉट इवन इन मॉनसून। अगर मॉनसून होगा तो कोई मेरे को दे बता रहा था किसी के वीडियो में देखा कि बहुत ही बुरा फंसते हैं वो, तो मोटे मोटे निशान नहीं बन जाते, गाड़ी निकल जाए और फिर बीच में उड़ जाता है वो। तो हम क्या ट्राई साइकिल पे जाएंगे वहां? ट्राई साइकिल में नहीं, बाइक पे कह रहा है। वी विल, वी विल, नो 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 नो, टू डू मनांग वी विल फ्लाई टू काठमांडू और पोखरा एंड रेंट, फ्लाई नहीं कर रहे भाई कहीं, अरे वी विल रेंट अ डर्ट बाइक देयर, दैट इज द बेस्ट वे टू डू इट। वो चाइनीज वाली डर्ट बाइक, चाइनीज का होंडा सीआरएफ 250 उठा लेंगे ना वहाँ पे। कितने की मिलती है? 5-10 हज़ार रुपए पर डे की मिल जाएगी, 3 दिन के लिए ले लेंगे यार, क्या बड़ी बात है। मनांग तो 3 दिन में हो जाएगा ना। बाकी हम एडवेंचरर्स तो हैं, मतलब क्या स्पिरिट है एडवेंचर की, देख रहे हो? हाँ, हेलमेट वेलमेट लगा के यार, कमाल है। राइडिंग बूट्स आल्सो ये पहने हुए, प्रोटेक्टिव गियर ऑलवेज, चूचू बूट्स, चूचू बूट्स। तो इनमें काला तेल क्यों नहीं डाल लेता? जूते एक बार दिखा, प्लीज एक बार अपने जूते दिखा दे यार। अच्छा, मशीन ऑयल होता है ना, इतनी जल्दी है अभी से? यार हमें तो 11 बजे का बोला है किसी ने, 10 बजे, 10 तो आप देखो 10 आ गए, सुबह खुलता है 10 बजे। अच्छा सुबह 10 बजे खुलता है, और यहाँ क्लोजिंग टाइम क्या है? यही सर 8 बजे। तो अभी का टाइम हो रहा है। तो यार हमने तो चिकन वाला खाना था, क्या चिकन लास्ट ऑर्डर हो जाएगा? नहीं, हाँ वही पूछ रहा लास्ट ऑर्डर है ना अभी, चिकन बारबेक्यू वाला चिंग्स। आई एम वेजिटेरियन यार,
यू आर वेजिटेरियन तो राइट डिनर में क्या करते हैं यार मेरा आई एम हैप्पी हैविंग वेजीज तो चिकन विंग्स खाएगा ना बारबेक्यूड चिकन विंग्स मैं खाऊंगा पर मैं अकेले नहीं खा सकता यार वो वेजिटेरियन नॉन ये खाएंगे नहीं वो वेजिटेरियन है तू वेजिटेरियन है मैं क्या अकेले खाऊंगा डॉगी वॉगी है यहां पे यार डॉगी नहीं कुछ उसके साथ वो खा लेगा कुछ तू खा लेना बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मतलब कैसे किस तरह से एक्सेलरेट करेगी चढ़ाई पे अच्छी रोड पे वर्सेस अ बिगर बाइक जैसे मेरी तो 94 BHP बाइक थी मतलब क्या है मतलब है 94 BHP चढ़ने के बाद वो थोड़ी कम हो गई नहीं इतना ऑल्टीट्यूड नहीं था कि BHP कम हो गई सो कल वी डिड दिस क्लाइम इज द राइट वर्ड अभी ना अकॉर्डिंग टू यू असेंड मेरे हिसाब से असेंड होता है ये क्लाइम बोलता है ascend from Dehradun to Mussoorie. Road conditions are perfect, near perfect, flowing sections. है ना? तो उसमें I was unable to catch up to the Himalayan 450. No, I wouldn't say it was catch up. There is a variable also. बैठे कहाँ हुआ आपके? मतलब क्या? वो science museum में जो सिर्फ मुंडी निकाल के experiment होता? नहीं, this is morning Malasan. Okay. There was one more variable to it, and that was shit loads of traffic. Yeah. Yes. Not traffic. और वो भी scooties का, क्योंकि Dehradun to Mussoorie road पे वो students वाला crowd होता है ना, बंदे बंदियाँ on scooty. So there was oncoming traffic, where at the same time there was traffic towards Mussoorie as well. So it was you had to overtake the cars which were going upwards, at the same time save yourself from the ones which are coming. And the buses as well. And the buses. Mahakal buses. तो कौन से गियर में चला रहा था कल हिमालयन मतलब सेकंड थर्ड एंड फोर्थ इन अ स्ट्रेट फोर्थ यूज किया था अच्छा आई यूज द गियर बॉक्स पूरा तो वो उसमें कुछ इशू हो रहा था कि ज्यादा कंपेयर टू अ बिगर बाइक ज्यादा बार करना पड़ रहा है गियर शिफ्टिंग ज्यादा करनी पड़ रही है हिमालयन में बिकॉज ऑफ द गियरिंग रेशियोस ऐसा कुछ फील हुआ नॉट रियली बिकॉज जो स्पीड्स थी हमारी स्पीड्स क्या रेंज कर रही होंगी 30-40 बीच में स्ट्रेट स्ट्रेट्स पे 70 पहुंच गई होगी जहां से एक दो बार तो वही है तो थर्ड तेरी थर्ड में जाते ही थर्ड में रहेगी and we'll have to switch to fourth option. we switch to fourth also and then we you know in corners like I was aggressively downshifting to second also so that I have maximum traction while turning but mere hisab se it is so I'll tell you what happened the factors that now were now he's coming into his element I'll tell you what happens yeah. Yeah. so pehla to element hai ki traffic... are you shooting in English or Hindi oh shit तो पहला एलिमेंट जो है इंग्लिश कर दे क्या फर्क पड़ता है यार सबको सब कुछ समझ में आता है यार कमेंट्स में लोग बोलते हैं कभी इंग्लिश करता हूं तो हिंदी हिंदी करता हूं तो इंग्लिश भाड़ में जाएगा बट ये वाली इंग्लिश जो हम बोलते हैं इंग्लिश थोड़ी है मतलब इंग्लिश है हां इंग्लिश है ओके ठीक है मैं बोल लूं हां बोल अच्छा तो मल्टीपल फैक्टर्स एट प्ले हियर पहला ट्रैफिक बहुत हैवी था ठीक है दूसरा मेरे हिसाब से जब फास्ट राइडिंग होनी ही नहीं है जब स्पीड्स हायर स्पीड्स का फैक्टर है ही नहीं तो अ स्मॉलर नैरोअर बाइक जिसकी पावर इज अवेलेबल मतलब वो तो पावर बैंड में चल रही है ना उतनी स्पीड्स पे विल सीम टू बी फास्टर इट इज फ्लिकेबल लाइटर जो भी हल्की बेल्ट करनी है जैसे मैं युद्धवीर से अभी बोल रहा था कि अगर एक्सपल्स होती तो शायद मैं और तेज भी चला सकता था एक्सपल्स को लेकिन जो बाइक बड़ी होगी जो पावर बैंड में ही नहीं रहेगी बाइक वो कहां से तेज चलेगी जो जब तेरी बाइक 3-4 हजार आरपीएम के ऊपर तो जा नहीं रही नहीं जा रही थी है ना तो फिर जब कहां से वो पावर ही नहीं वो हार्नेस कर पाएगा वो इंजन और भारी बाइक है ना बड़ी बाइक है यू विल हैव टू ब्रेक मोर फॉर टर्न्स यस यू विल हैव टू फ्लो लाइक फॉर अ बाइक टू यूटिलाइज इट्स पावर अ बिग बाइक इट नीड्स दोस काइंड ऑफ रोड्स तो अगर नैरो माउंटेन वाइंडिंग रोड्स और इतना ट्रैफिक है exactly तो पतली हल्की बाइक तेज चलेगी यार एज सिंपल इज दैट देन अनदर फैक्टर व्हिच आई फील इज द बिगेस्ट अगर बिना बाइक के हमारे होते तो वी वर मोर फ्लेक्सिबल बिना बाइक यार तो तूने चाहे टर्न कर जाओ तूने नोटिस अच्छा दो एंड वी कुड यूज द एंटायर पावर व्हाटएवर इज अवेलेबल नाउ व्हाई आई से दिस इज बिकॉज़ तूने नोटिस किया होगा कई बार स्प्लेंडर आराम से ओवरटेक करने के बीच में हां एक आई तो थी बीच में स्प्लेंडर बार-बार उसमें दो-दो लोग भी बैठे हैं हल्की सी बाइक है ना सो इट इज वो
50 60 में भी वो बिल्कुल मे भी 6-7 हज़ार आदमी, मतलब जो 60 मेंटेन करेगा वो जीत रहा है रेस। जो गाइस लेट मी टेल यू दोस व्हाट सीडी 100 सीडी 100 सीडी डॉन डिलक्स वाज बीइंग रिडन बाय अ पहाड़ी। हां एग्जैक्टली, सो आई वांट टू कम टू दैट आल्सो। नाउ छोटी बाइक सबसे ज्यादा वो रहेगी। नाउ दो चीजें और, पहला फैक्टर नाइस राइडर टू राइडर डिफरेंस, ठीक है, नो मैटर व्हाट बाइक, इट डजंट मैटर, द राइडर विल मेक ऑल द डिफरेंस, चाहे कुछ भी दे दो, ठीक है, वो राइडर डिपेंडेंट रहता है। मतलब सब कुछ नेगेट हो जाता है एक पॉइंट के बाद, सब कुछ नेगेट हो जाता है राइडर डिपेंडेंट, आल्सो द लेडन वेट ऑफ द राइडर, हां व्हिच इज वेरी लेस इन दिस केस, हां ऑब्वियसली एंड वेरी हाई, यू आर लाइक अ जॉकी, यस 5-4, 5-5, 55-57 kg, बी व्हेन यू आर बिहाइंड समबडी, माइटी व्हेन यू आर बिहाइंड समबडी इन अ प्लेस व्हिच इज लेडन विद ट्रैफिक, तो उसमें आप फॉलो ही करने लग जाते हो, फ्रेम के बाहर रख दो ना बीवी को, आप फॉलो ही करने लग जाते हो, आप ओवरटेक नहीं कर सकते, तो ये सब भी चीजें होती है, तो यू फील यू नेचुरली, हां एग्जैक्टली, तू आगे चल रहा है मैं तेरे पीछे चल रहा हूं, यू नेचुरली फील समटाइम्स इट कैन एक्चुअली इंक्रीज योर स्पीड व्हेन यू आर फॉलोइंग, बिकॉज़ यू आर फॉलोइंग द अदर पर्सनस लाइफ, एग्जैक्टली, एंड द फैक्ट दैट यू आर आल्सो कनेक्टेड, हां हम तो सेना पे बात कर चल रहे थे ना, हैविंग फन एंड थोड़ी सी ज्यादा रेस थोड़ी हो रही थी यार, हम तो बस Abusing भी slightly faster than normal चल रहे थे, that's about it. जैसे कह रहा था ना around 200-300 बार MCBC हो गई थी, हम ऐसे हैं नहीं, but मतलब ये गाली देता है फिर मैं भी उस जोन में आ जाता हूँ, मैं भी ये इसको ट्रिगर कर दो हल्का सा एक दो बार MCBC करके तो ये फुल ऑन खुल जाता है, इसका टैप ओपन टैप हो जाता है, मैं यूजली कभी देता नहीं ना, तो फिर गाली देने में मजा आ जाता है, जो यूजली नहीं देते उन्हें बहुत मजा आता है, एग्जैक्टली। ये सारी बातों से मुझे ये याद आया कि कल जब हम चढ़ रहे थे, चढ़ाई कर रहे थे हम, तो मेरे को मैं ये भूल ही गया मेरी बाइक में क्विक शिफ्टर भी है, तो क्विक शिफ्टर से मतलब मेरे को याद ही नहीं रहता, मतलब अच्छा, घर पे भूल गए थे कोई? नहीं लगा हुआ है, अच्छा अच्छा ओके, अबे यूज करना ही नहीं आता था कि आदत नहीं है चलाने की, जब तू 4-5 हज़ार आरपीएम के ऊपर जा ही नहीं रहा तो तू क्या क्विक शिफ्टर यार यूज तो होता है ना यार, थ्रॉटल तो ओपन हो रहा है, आइडियली यू शुड नॉट इवन यूज द क्विक शिफ्टर एट लो रेव्स, यार लो रेव्स नहीं उसमें खिंच रही थी बाइक, तूने देखा है मेरी तो 80-80 बाइक चल गई, अबे वो तो सिर्फ स्ट्रेट स्ट्रेच पे खिंच रही थी ना यार, कॉर्नर पे के आसपास थोड़ी खिंच रही थी, तेरी में डाउन शिफ्टर भी है ना, शिफ्टर इज वेरी स्मूथ, तेरी में वो भी है ना बाई डायरेक्शनल, दोनों अच्छा, फ्लिपर व्लिपर जो होता है सब है, तो तेरे को तो खट खट टर्न से पहले मारने चाहिए थे, सेकंड पे आके मैं बोल ही गया, मैं आराम से चला रहा था कि मतलब हो जाए सही है, पहले तो हम लोगों ने ये सोचा कि हम जब हमारी काफी आराम नहीं, एक्चुअली हुआ क्या मैं आपको ये बताता हूं, जब हम धीरे ही चला रहे थे, हम चला रहे थे आपके पीछे, इसने बोला कि ऐसा करते हैं मैं युद्धवीर को ओवरटेक करता हूं, मैंने बोला मत कर यार वो गाली देंगे, मेरे बाइक पहले ही टैपेट के टपट टपट कर रही है, दैट इज नॉट हाउ इट वेंट, मैंने इससे बोला कि थोड़ी तेज चलाए, इसने बोला ओके, मैंने बोला फिर ठीक है मैं युद्धवीर को ओवरटेक करता हूं, we did not ride fast to overtake him, we wanted to ride fast so we overtook him and we went, but we considered that he's riding slow, haan that's what you mean to say, matlab wo to aaram se touring wale zone mein the yaar, wo touring wale zone mein the na yaar, ye ek point note kar lo, he was considering that you are riding slow, aisa isne sochne ke bare mein nahi, what do you mean by slow, smooth smooth you are riding, are touring pace yaar, that's what I'm saying na, hum log touring kar rahe hain aaye hain, but humne jo marzi kar liya, but end mein thodi der baad dekha ki aap mere piche, to wohi to main bol raha hu na, jab the rider in front of you is going upper side mein nikal gaya left se, you tend to match the pace, hamari riding actually utni smooth nahi hai, wo hum jo discuss kar rahe hain na, jaise wohi you don't drop like hum bahut effort maar rahe hain उस स्पेस को मेंटेन करने के लिए, एंड आपकी निकलती है यू 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 ऐसे बढ़िया तरीके से, सो व्हाटएवर विजार्डरी यू यूज व्हाइल राइडिंग, सो या सो दैट्स इट, दैट इज इट, व्हाट इज द कंक्लूजन, हां सॉरी व्हाट वाज द क्वेश्चन, या यू वर टेलिंग
So confusion is right. So is Himalayan efficient enough to climb in the mountains easily? Yes. Of course it is. Of course it is. अरे जब स्प्लेंडर चढ़ रही है तो हिमालयन तो चढ़ेगी ना पहाड़। अगर ये बाइक फॉर एग्जांपल तू चला रहा है, तेरे जैसा बंदा टाइगर नहीं हिमालयन चला रहा है, हाँ। तेरा वेट कितना 100 किलो तो होगा कम से कम इन राइडिंग एरिया, राइडिंग इन राइडिंग एरिया 2-3 किलो ऐड करके 100 किलो हो गया तब साल। आई एम अबाउट 88-89 ऑन अ गुड डे। फॉर एग्जांपल इफ यू आर राइडिंग विद अ पिलियन, लेट्स आई डोंट नो हाउ आई विल बी एबल टू राइड विद अ पिलियन बिकॉज़ आई टॉप बॉक्स। अरे आई डोंट राइड विद अ पिलियन ना, तो मतलब जैसी पिलियन बैठेगा बाइक की तो फ्रंट एंड से फील ही चले जाएगी। मैं चलाता ही नहीं पिलियन के साथ। हिमालयन इज अ टूरिंग बाइक। अगर कोई बंदा अपने बेटर हाफ के साथ समझ ले तेरे जैसा वेट साइज एंड स्ट्रेचर का बंदा पीछे सेम उसी टाइप का बेटर हाफ हो गया ना, व्हेन ही इज राइडिंग इट इज इक्विवेलेंट टू अ बेटर हाफ एंड द फ्रंट पर्सन राइडिंग, इट्स ओनली द ज्योमेट्री व्हिच वुड चेंज। नहीं पर मैं कह रहा हूं दो लोग बैठे होंगे और पीछे टॉप बॉक्स लगा होगा और साथ में मान ले पैनियर्स भी लगे हुए हैं तो बाइक ऐसी खिंचती जैसे कल खिंच रही थी। दैट इज समथिंग दैट यू हैव नॉट टेस्टेड, यू शुड टेस्ट इट आउट। व्हाई विल आई टेस्ट इट आउट? क्या मैं कोई रोड टेस्टर हूं? मेरा काम है ये कोई? या यू आर अ रोड, आई राइड टू एंजॉय। यार बकवास। बट एनीवे यू नो व्हेन यू आर विद अ पिलियन योर राइडिंग स्टाइल वुड बी, व्हाई वुड यू राइड फास्ट इन द फर्स्ट प्लेस इफ यू आर राइडिंग विद अ पिलियन? नो वी वर राइडिंग इन एन एंगेजिंग मैनर। You wouldn't with a pillion. हाँ, pillion you are responsible for somebody. Yes, pillion के साथ immediately on the bike as well. Did you saw people who were riding with pillions on the climb up Mussoorie? Yeah, they were kind of you know on the side. They were trying to be and safe, जो splendor और Activa पे दो दो तीन तीन वाले थे वो भी तो चढ़ रहे थे ना, वो fast वैसे करके कटवट मार के। So to say, if it is possible, of course it is possible. It will always be rider dependent, but it will not be as efficient as a single person on a bike. ये तो simple सी basic physics है, इसमें क्या वो है? And what about the tappet noise? That's gone. It's gone. What do you attribute it to? Is it seasonal in nature? No. So what happened probably was while filling the fuel, the oil was very very thin because we had ridden it hard and we were on the mountains. And I had put it on the side stand in order to pay money. Looks like all the oil went to the sump pack, and when we started it did not arrive to the head much in time, and there was noise and clutter from the top end which went away when the oil came in. Maybe the oil became too thin over a period of time. Achha. Lost its viscosity. What? No, it does not lose it. And obviously, it becomes thinner or whatever you may call it as viscosity or something. But it wasn't breaking up. Only thing is maybe it would have become temporarily. It wouldn't have reached the top. So, क्योंकि काफी सारे लोग question मेरे को ना आ रहा है बार-बार कि हमारी bike में Himalayan में tappet noise आ रहा है, क्या करना है, क्या करना है? So पहले तो is it something to worry about first of all? No. It's a mechanical. Little bit of disclaimer. Yudhvir's motorcycle is not running on the semi-synthetic engine oil that Royal Enfield supplies. Achha. His bike is running on Motul 7100 fully synthetic engine oil. Okay. $10.40 or $15.50? $10.40. So usse bhi farak tappet noise. I don't know. I'm not that mechanically inclined. So, अगर किसी का आ रहा है टैपिंग नॉइज़, so he should continue riding, को चेक वेक कराने की ज़रूरत है या क्या करना क्या है बंदे? No. So if there's a space created between the valve and the rocker, no that is तो internally हो रहा है। मतलब मैं कह रहा हूँ जैसे मेरे जैसे बंदा है जो ज़्यादा technical नहीं है, उसको टैपिंग नॉइज़ आ रहा है। Get it adjusted. Adjusted. तो कितनी बार एडजस्ट करवाएगा? मतलब डिपेंड्स अपॉन हाउ हार्ड आर यू राइडिंग अ मोटरसाइकिल। द हार्डर यू राइड टैप इट नाइस उतना बढ़ने का चांस है। हां ऑब्वियसली बिकॉज़ इट्स अ डू यू थिंक एनीबॉडी वुड हैव रिडन द हिमालयन हार्डर देन व्हाट आई हैव बीन डूइंग इन द लास्ट 4 मंथ्स? तो तेरे में तो नहीं आ रहा ज्यादा? मेरे में तो है ही नहीं। मेरी बाइक तो इनके में आ रहा है एंड अपेरेंटली ही इज राइडिंग इट स्मूदर देन यू बिकॉज़ माइन इज अ प्रोडक्शन। ओके सो दैट इज ऑल द मोर रीजन कि नहीं होना चाहिए। Mine is also a production motorcycle. It's a registered motorcycle. It looks like a pre-production. No, it's a production motorcycle. Registered. So, anyway, so it happens, yaar. Matlab, in some cases, it may happen. And as such, in the RE inspection, I think there's an adjustment of valves in the initial services as such. Okay. Which should take care of it. बहुत दूर जा रहे हो अभी ऐसे-ऐसे करके ना माइक से। चलो एनीवेज मतलब यही था ना और कुछ है नहीं ना। So, वो बीप कैसे करूंगा मैं बस मेरे को ये प्रॉब्लम है। That is up to you. Around 200 times
जो एमसीबीसी हुई है उसको बीप करना विल बी अ चैलेंज. सो म्यूजिक डाल देना ना इंस्टाग्राम वाले मारियो वाला म्यूजिक डालना. सो यार अगर एमसीबीसी अगर फिल्टर थ्रू हो गई तो आई विल बी सॉरी फॉर दैट. है ना अभिनव अगर तू इंग्लिश में देता गालियां तो बेटर लगता. देन यू वुड नॉट हैव गॉट दैट हेट. अगर तू ये फक यू ये मतलब वो जो अगर अब जैसे पब्लिश होगा और उसमें तेरी इमेज प्रॉब्लम बाढ़ में जाए इमेज व्हाट इमेज ठीक है मतलब ओके ठीक है विल शट इट डाउन हियर. चलो बाय बाय बाय.